कक्षा सात में विषय विज्ञान में पाठ एक पढ़ेंगे हम पादपों में पोषण। पादपों मतलब पेड़ पौधों में, पोषण मतलब पोषण का अर्थ क्या है? भोजन। पोषण का मतलब क्या होता है? भोजन। सभी सजीवों को क्या होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीव भोजन करते हैं। सजीवों में कौन कौन आते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, ये सभी क्या करते हैं? भोजन करते हैं। भोजन से उनको क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा मिलती है, जिससे वो अपने कार्यकलाप करते हैं। पोषण का मतलब होता है भोजन करना। अब जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन में क्या क्या जरूरी है, उसके घटक कौन कौन से है? तो भोजन के अंदर जो मेन घटक है वो छह घटक है, वो होने जरूरी है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। अब भोजन की निर्भरता, सभी सजीव पर भोजन अपना भोजन खुद बना सकते हैं, लेकिन मनुष्य बना सकता है अपना भोजन, मनुष्य नहीं बना सकता। जीव जंतु भी अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, लेकिन सिर्फ पेड़ पौधे, सृष्टि में सिर्फ पेड़ पौधे ऐसे हैं, सजीव है, जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। और बाकी जो भी सजीव है, जैसे मनुष्य, जीव जंतु, क्या करते हैं? इन पेड़ पौधों पर ही अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। पादपों में पोषण विधि, पादप अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो उस हिसाब से भी पादप क्या प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और विषम पोषी। स्वपोषी और विषम पोषी, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं उनको हम कहते हैं स्वपोषी, और जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम कहते हैं विषम पोषी। अब है जो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसके लिए क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है हरे पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाना। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की जो क्रिया है उसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए मेन रूप से चार घटक जरूरी होते हैं। मेन रूप से चार घटक जरूरी होते हैं, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित, क्लोरोफिल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास सूर्य का प्रकाश है, पानी भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है। सभी जीव जंतुओं के पास क्लोरोफिल नहीं है, जिसके कारण वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। अब पर्णहरित या क्लोरोफिल क्या होता है? पर्णहरित होता है जो पौधों में पाया जाने वाला वर्णक, पौधों में पाया जाने वाला वर्णक, जिसके कारण पौधों में पाए जाने वाले एक अंग जो होता है वो हरे रंग का होता है। हरे रंग का अंग कौन सा होता है पौधों में? पत्ती। पत्तियां कैसी होती है? हरी। पत्तियां हरी क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित के कारण ही पत्तियां हरे रंग की होती हैं। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को भोजन बनाने के लिए चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? वातावरण से। वातावरण से कैसे प्राप्त करते हैं? जीव जंतु, मनुष्य, श्वास के द्वारा कौन से गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे क्या करते हैं? पेड़ पौधे वातावरण से प्राप्त कर लेते हैं। अब इसके अलावा पानी, पानी उनको कहाँ से मिलता है? जमीन से, भूमि से उनको पानी मिल जाता है। सूरज के प्रकाश को वो अवशोषित करते हैं, सूरज के प्रकाश को, सौर ऊर्जा को वो अवशोषित करते हैं, और पर्णहरित की सहायता से भोजन बनाते हैं, जो उनमें ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस क्या निकलती है? बाहर निकलती है। इस पूरी प्रक्रम में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इस ऑक्सीजन गैस को सारे जीव जंतु, यानी कि मनुष्य, सारे जीव जंतु श्वसन क्रिया में उपयोग करते हैं। अब पौधों में जो पर्ण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का क्रिया काम करता कौन है? पत्तियां। पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? पत्तियों को, अगर पत्तियों की संरचना होती है, अगर हम पत्ती को एक छोटा सा टुकड़ा करके माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें दिखाई देगा कि इसकी ऊपरी और निचली सतह पर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें बोला जाता है रंध्र, जिन्हें क्या बोलते हैं? रंध्र। रंध्र की संरचना को अगर हम देखें तो इसमें एक द्वार होता है, जिस द्वारों तो द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। यहाँ से पानी क्या होता है? अंदर जाता है। यह पानी पत्तियों से होते हुए कहाँ जाता है? अंदर जाता है। तो
पेड़ पौधे क्या करते हैं, इस क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। धन्यवाद।